गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपका टॉपिक लेंगे मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमें पता है वो ऑटोट्रॉपिक हैं दे कैन प्रोड्यूस दियर ओन फूड दे कैन प्रोड्यूस दियर ओन ऑर्गेनिक फूड और इस ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए हमें पता है उनको सनलाइट चाहिए होती है लेकिन सनलाइट के साथ साथ उनको कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी चाहिए जो कि वो लेते हैं सॉइल से कहाँ से लेते हैं सॉइल से और ये ऑकर कहते हैं ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स तो जो मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स सॉइल से लेते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए तो उ, उन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं मिनरल्स और उस टाइप न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन और जो मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल्स जो है uh, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन में काम आते हैं वो तीन फॉर्म्स में सॉयल में मिलते हैं डिज़ोल्ड फॉर्म में एड्सॉप्ट फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में डिज़ोल्ड फॉर्म में वो सॉइल सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं सॉयल वाटर में सॉइल वाटर में डिज़ोल्ड फॉर्म में वो होते हैं इसी तरह से एडज़ॉर्बड और कंबाइंड फॉर्म भी है, लेकिन इट जनरली कंटेन्स वेरी लिटल कंसन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो डिजॉल्व वाटर है उसमें पानी जो है कंसनट्रेशन uh, uh, जो सॉल्ट की है वो बहुत कम होती है और जो एबज़ॉर्ब्ड मिनरल्स हैं दे आर हेल्ड बाय सॉइल कोलाइड्स सोलाइल सॉइल कोलाइड्स जो है उनके साथ ये अटैच्ड होते हैं तो ये जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये फाउंड दे आर प्रेजेंट इन सॉइल इन थ्री फॉर्म्स डिज़ोल्ड फॉर्म एडजॉर्व फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म अब ये जितने मिनरल्स हैं ये सब वेराइटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट हैं लेकिन सबके सब जो हैं वो एसेंशियल हो ऐसा नहीं है उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत एसेंशियल रहते हैं प्लांट्स के लिए और जो ऐसे है जिनकी वजह से ग्रोथ जो है अगर वो नहीं हो तो ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट करे प्लांट की ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स तो आ, ये असेंशियल एलिमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है वो हो सकता है एक प्लांट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है पर दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अदर प्लांट ऐसा भी होता है इसलिए आ, तीन क्राइटेरिया आ, इसने आ, तीन साइंटिस्ट ने आयनन ने स्टाउट ने आ, ये दिया यूज़ किया टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स ये जो तीनों क्राइटेरिया ये क्या थे एसेंशियल एलिमेंट्स किन को कहा गया इसका मतलब ये है कि एसेंशियल एलिमेंट्स उन्होंने किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से अगर वो नहीं हो तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी मतलब उनकी एब्सेंस में लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी तो वो हो गया एसेंशियल एलिमेंट उसका होना एसेंशियल है टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट उसके बाद दैट एलिमेंट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल एसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि अगर वो नहीं है तो उसकी जगह उसका फंक्शन कोई दूसरा एलिमेंट कर दे अगर वो नहीं है तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा प्लांट तो थर्ड uh, जो क्राइटेरिया है वो है कि दे शुड प्ले अ डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज़्म में उनका फंक्शन जो है वो डायरेक्ट है तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो एसेंशियल एलिमेंट होगा अगर उसके बिना भी प्लांट ग्रो कर जाता है वैसे तो वो प्लांट को चाहिए लेकिन उसके बिना भी अगर वो प्लांट जो है अपनी नॉर्मल ग्रोथ कर लेता है तो वो उस प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो जो टर्म है मैक्रो और माइक्रो इसका मतलब मैक्रो मतलब बिग माइक्रो मतलब स्मॉल तो ये जो टर्म्स हैं ये इन ये इन रेफरेंस टू क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल है कि मतलब क्वांटिटी कितनी चाहिए उस मिनरल की एक प्लांट को उस पर डिपेंड करेगा कि वो मैक्रो एलिमेंट है या माइक्रो एलिमेंट है तो वैसे तो कोई एब्सल्यूट क्वांटिटी जो है वो डिसाइडेड नहीं है लेकिन फिर भी जहाँ पे रिलेटिवली लार्ज अमाउंट यूज होते हो उसको हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स तो अबाउट टेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए वो एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम आयरन एंड मैग्नीशियम ये जो दस हैं इनमें से भी जो लास्ट के सेवन हैं सेवन कौन कौन से इन तीनों को छोड़ के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम आयरन एंड मैग्नीशियम ये वाले ये ये जो है ये आ, ये एलिमेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट मीडियम जो है जो सॉइल वाटर है किसी भी फॉर्म में तो ये वहाँ से प्लांट लेता है ये जो सेवन है तो इसलिए इनको कहा गया है मिनरल एलिमेंट्स लेकिन जो बाकी के तीन हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे या वाटर से एंड ऑक्सीजन से इसलिए इन तीनों को मिनरल एलिमेंट्स में नहीं रखा गया तो मिनरल एलिमेंट्स में कौन कौन से हो गए ये सात एलिमेंट्स हो गए फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम आयरन एंड मैग्नीशियम अब इसके अलावा इन दस मैक्रो एलिमेंट्स के अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए तो वो जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए इनको हम ट्रेसर एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं ये कौन कौन से हैं ये है कॉपर जिंक बोरॉन मोलीबिंडम क्लोरीन या इसके अलावा भी और हो सकते हैं पर दीज आर ट्रेसर एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब फंक्शन क्या है इनका मिनरल एलिमेंट्स का एक प्लांट में मिनरल एलिमेंट जो हैं इनके फोर बेसिक वेज़ में ये प्लांट जो है इनको यूटिलाइज़ करता है तो आ, पहला तो आ, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मेन पार्ट बनाते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट हैं प्लांट के वेरियस प्रोडक्ट्स की जैसे सेल वॉल है सेल वॉल में कार्बन यूज़ होती है सेल्यूलोज बनाने में मेजर uh, जो एलिमेंट है वहाँ पे कार्बन है इसी तरह से प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है तो कार्बन और नाइट्रोजन मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं प्लांट की इसके बाद जो सेकंड uh, uh, इसकी इम्पोर्टेंस है एलिमेंट्स की दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इम्पोर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म ये एलिमेंट जो हैं ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पार्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं जैसे क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है वहाँ पे मैग्नीशियम है मैग्नीशियम इज़ मिनरल न्यूट्रिएंट इसी तरह से फॉस्फोदस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए टी एंड दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर वेस मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ दैन दे कैन बी फंक्शनल एज एंजाइम एक्टिवेटर्स एंजाइम एक्टिवेटर्स की तरह भी ये काम में आते हैं सो दे आर दे एक्ट कैटलिस इन वेस एंजाइम रिएक्शंस इसके बाद दे आर दीज एलिमेंट्स इन आयोनिक फॉर्म अगर ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं प्लांट के सेल्स के जैसे पोटेशियम uh, जो है वो गार्ड सेल्स की ऑसमोटिक में बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है गार्ड सेल्स में जिसकी वजह से स्टोमेटा खुलते हैं या बंद होते हैं तो दीज आर इम्पॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स विच आर विच आर टेकन बाय द प्लांट्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एंड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दैट्स वाई इट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए हम इसको मिनरल न्यूट्रिशन भी कहते हैं थैंक यू बच्चों